सीपीआई छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन किए कन्हैया कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा खूब हो रही है। चर्चा महागठबंधन के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में खूब ज्यादा हो रही है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता कन्हैया कुमार को मानने से इनकार कर दे रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को पहचानते तक नहीं है। उसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि कन्हैया को पूरा देश जानता है, अगर शिवानंद तिवारी और कुछ नेता नहीं जानते हैं तो क्या बात है। पहले सुनिए अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा। अब कन्हैया कुमार की चिंता भाजपा को क्यों है, हमको तो ये नहीं समझ में आती है। भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ा है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ा है, उसकी चिंता उस सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार जो तीनों काला कानून है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, आज तक सुलझा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, उसको उनकी चिंता करनी चाहिए। अखिलेश सर, भाई वीरेंद्र और शिवानंद तिवारी भी ये कह चुके हैं, भाई वीरेंद्र तो कह दिए कि कन्हैया कुमार को जानते नहीं है, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू साबित होंगे। कन्हैया कुमार राजद के कई नेताओं ने पहचानने से इनकार कर रहे हैं, इसके नहीं पहचानते होंगे। लेकिन अब शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, अगर इस तरह की बात, मुझे नहीं लगता है कि वो किए होंगे, और किए होंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। कन्हैया को ना पहचानना सर दुर्भाग्यपूर्ण, कन्हैया को ना पहचानना दुर्भाग्य नहीं, कन्हैया को पूरा देश जानता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कन्हैया का व्यक्तित्व जिस तरह से बढ़ा था तो उसको कौन नकार सकता है। अभी सब ईर्ष्या का बात मत करिए। तो आपने सुना, बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है, वही शिवानंद तिवारी नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता दें कि जिस दिन कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा उसके बाद राजद के कई बड़े नेता, अगर नाम ले लूं तो भाई वीरेंद्र हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, शिवानंद तिवारी हैं, राजद के बड़े नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि कन्हैया कुमार कौन है। उसके बाद अगर पहचान भी लिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू साबित होंगे, जिनके चलते पार्टी धराशाह है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई स्थिर नहीं रह रहा। हो सकता है कांग्रेस को कन्हैया कुमार में भविष्य दिख रहा हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन पहले कन्हैया कुमार को पहचानते तक नहीं है, अगर पहचानते हैं तो उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू से तुलना की जाती है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में आने के बाद कन्हैया कुमार को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो सिर्फ है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि बिहार में अब युवाओं का नेतृत्व सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। उस बीच कन्हैया कुमार का एंट्री भी महागठबंधन में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, युवा है और मुख्यमंत्री के दावेदार भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानते हैं नहीं मानते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी से ही कन्हैया को लेकर जो है खटपट महागठबंधन में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल उन्हें मानने को तैयार नहीं है, पहचानने को तैयार नहीं है, और युवाओं को लेकर जो बातें कही जा रही है कि कन्हैया कुमार बहुत अच्छे हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, ये भी मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बताया जा रहा है। साफ तौर पर यही भी कहा जा रहा है कि भाषण देना और वोट लेना बहुत अंतर होता है। तो आपने सुना अखिलेश सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई नहीं पहचानता है तो, जिन्हें पूरा देश जानता है, शिवानंद तिवारी नहीं जानते हैं। तो आपने सुना अखिलेश सिंह को, देखते रहे लाइव बयान। नमस्कार।